Hello everyone, good morning to all of you. Myself Manisha Patel, assistant professor in Vimla Vidyalay College. Student, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस चैप्टर नंबर 2, उसमें सम नंबर 18, आरती लिमिटेड. आगे हमने एक प्रैक्टिकल श्रीनाथ कंपनी लिमिटेड के बारे में डिस्कस किया था, वो सम हमने पूरा कैलकुलेशन में किया था. ठीक है, आज हम लोग बात करने देखते सम नंबर 18. जस्ट टेक इट पिक्चर, इसकी आप पिक ले लो पहले. ये सम्स की ओके, लेट्स स्टार्ट. फाइंड आउट द फॉलोइंग रेशियो फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ आरती लिमिटेड एज ऑन 31/3/2013 एंड एडिशनल डिटेल गिवन टू यू. लेट्स स्टार्ट. स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ओनरशिप रेशियो, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉय, इक्विटी कैपिटल, नेट रेशियो, देन क्रेडिटर वैल्यूसिटी रेशियो. ये सब रेशियो हमें कैलकुलेशन करने हैं. फिर हमें बैलेंस शीट दी गई है, बैलेंस शीट ऑफ आरती लिमिटेड ऑन 31/3/2013. ओके, बैलेंस शीट दी है. देन एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें क्या दिया है देखते हैं. फर्स्ट, कैश सेल्स इज 20% ऑफ टोटल सेल्स. ठीक है, जो कैश सेल्स दी है हमें 20% ऑफ टोटल सेल्स की. देन सेकेंड वन, स्टॉक ऑन फर्स्ट फॉर 12 इन रुपीज 1,25,000. यानी कि ये जो है हमारा ओपनिंग स्टॉक है 1,25,000. देन डेटर रेशियो इज 90 days, कंसिडर 360 days ऑफ द ईयर. जो डेटर रेशियो दिया है वो 19 days, यानी आगे हमने जो भी रेशियो कैलकुलेट की थे उसमें डेटर टर्नओवर रेशियो हमें फाइंड आउट करना था, लेकिन इसमें डेटर रेशियो ऑलरेडी हैज गिवन. ओके, देन फोर्थ, ग्रोस प्रॉफिट इज 40% ऑफ सेल्स. ग्रोस प्रॉफिट हमें दे दिया है सेल्स का 40%. देन नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज रुपीज 2,50,000. जो नेट प्रॉफिट दिया है लेकिन वो बिफोर का दिया है. देन रेट ऑफ टैक्सेशन इज 50%. ओके, ये हमारा हो गया सम्स. अब हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं. फर्स्ट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, स्टॉक टर्नओवर रेशियो. फर्स्ट फॉर्मूला, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. ओके, फर्स्ट देखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन या नॉट. देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स दी या नहीं. कैश सेल्स नो, स्टॉक डेटर रेशियो नो. ठीक है, हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं दी और एवरेज स्टॉक. एवरेज स्टॉक हैज गिवन. लेट्स कैलकुलेटेड एवरेज स्टॉक फॉर्मूला. एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. ओके, ओपनिंग स्टॉक हमें दिया है कितना है 1,25,000. देन क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन बैलेंस शीट इन एसेट साइड 1,25,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 1,75,000 डिवाइडेड बाय 2. ओके, वन लैख 50,000. नेक्स्ट, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स. अभी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड आउट करना है वो हम लोग कैसे करेंगे. कॉस्ट ऑफ सेल्स उसकी इंफॉर्मेशन दी है या नहीं देखते हैं. कैश सेल्स इज 20% ऑफ टोटल सेल्स.
और हमें ग्रोस प्रॉफिट इज 40% ऑफ सेल्स, यानी कि हमें ग्रोस प्रॉफिट दी गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट, ओके, यानी हमें जो मिलेगा उसे कहते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओके, लेट्स फाइंड आउट, सेल्स भी नहीं दिया और ग्रोस प्रॉफिट भी नहीं, हाँ उसका परसेंटेज दिया, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट इज 40% ऑन सेल्स, सेल्स का जो भी होगा वो 40% हमें क्या मिलेगा, ग्रोस प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन हमारे पास दोनों में से एक भी नहीं है, तो आगे सेल्स और ग्रोस प्रॉफिट। तो फिर हम क्या करेंगे ऐसा कि हमें सेल्स भी मिलेगा और उसके हिसाब से ग्रोस प्रॉफिट भी मिलेगा। तो हमारे पास ऐसा, हाँ, डेप्टर डेटर्स टर्नओवर जो रेशियो है 90 डेज हमें दिया गया है, यानी जो आंसर ही दिया गया है उससे हम कंसीडर करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अपना सेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट सेल्स या कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं वो रेशियो हम लोग अप्लाई करते हैं, डेटर टर्नओवर रेशियो, ओके, इज इक्वल टू डेटर टर्नओवर रेशियो डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल्स इनटू वर्किंग डेज, ओके। हम लोग ये डेटर रेशियो से ये फाइंड आउट कर सकते हैं, देखते हैं जो दिया गया है हमें डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर हमें दिया है बैलेंस शीट में एसेट्स टाइप 2 लाख रुपीस दिए हैं, देन बिल्स रिसीवेबल कितने दिए हैं 50,000, ये सब बैलेंस शीट में दिए हुए, क्रेडिट सेल्स हमारे पास नहीं है, वर्किंग डेज इन ब्रैकेट हमें कंसीडर किया है 360 डेज और क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें डेटर रेशियो दिया है 90 रुपीज, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ही रखें, 2,50,000 इंटू 360 डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लीकेशन में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे 90 करेंगे और ये जो क्रेडिट सेल डिवाइड में है उसमें हम क्या करेंगे ऊपर ला लेंगे, तो ठीक है। तो हमारा क्रेडिट सेल्स कितना आया देख लेते हैं, 10 लाख, ओके, कितना 10 लाख, ये हमारा क्रेडिट सेल्स आया। पता चल गया मैंने क्या किया, पहले मैंने स्टॉक टर्नओवर रेशियो किया, उसमें मैंने एवरेज स्टॉक निकाला, मुझे एवरेज स्टॉक मिल गया 1,50,000, लेकिन मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है, तो मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला यूज किया, सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट, लेकिन वो भी मेरे पास नहीं, तो मैंने क्या किया, डेटर रेशियो अप्लाई करके उसमें मैंने अमाउंट डाली, देखा तो क्रेडिट सेल्स मुझे मिले 10 लाख, सॉरी, ठीक है। अभी जो 10 लाख रुपीस मुझे मिले हैं क्रेडिट सेल्स से, मैं क्या करूंगी आगे, अभी जो क्रेडिट सेल्स है मेरे पास 10 लाख, अभी इसमें से मैं, इसका रेशियो मुझे दिया है, क्या बोला मुझे, कैश सेल्स इज 20% ऑफ टोटल सेल्स, यानी जो कैश सेल्स है हमारे पास वो 20% है किसका, टोटल सेल्स का। तो देखते कैश सेल्स दिया 20%, टोटल सेल्स कितना होता है वो हम लोग देख लेते, टोटल सेल्स 100, ठीक है, हम लोग एज्यूम करेंगे उसमें से कैश सेल्स कितने हैं 20%, यानी क्रेडिट सेल्स कितने हुए
18, हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, कैश प्लस क्रेडिट इज इक्वल टू टोटल सेल्स, ओके ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ओके ऐसे भी हो सकता है कुछ भी। तो हमारे पास इस सब में, इन तीनों में से इक्वेशन रखने के लिए कौन सी अमाउंट है, 10 लाख है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास 80 क्रेडिट सेल्स था तब कितने थे, 10 लाख, ठीक है। जब हम टोटल सेल्स 100 फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कितनी अमाउंट होगी, ये क्रेडिट सेल्स है, ये टोटल सेल्स, ओके देखते हैं कितनी होगी। बारह लाख पचास हजार हमारे पास क्या होगा, क्रेडिट सेल्स, अरे टोटल सेल्स होगा, ठीक है। ये हमें मिला टोटल सेल्स, ये सबको हमें रखना है। क्रेडिट सेल्स हमने क्या किया, 10 लाख 100 है, कितना वर्क करके हमें 12 लाख 50 हजार टोटल सेल्स मिला। अभी ये जो 12 लाख 50 हजार है, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमें चाहिए क्या एक्चुअली में, कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए। अभी मुझे सेल्स तो मिल गया 12 लाख 50 हजार, लेकिन ग्रोस प्रॉफिट अभी तक नहीं मिला मुझे। तो अब हमें क्या करूंगी, ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास जो भी ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, क्या दिया है, सेल्स का 40% दिया है, ठीक है। तो मेरे पास सेल्स कितना है, मैंने फाइंड आउट किया 12,50,000, 12,50,000 इनटू 40%, कितने आए, 5 लाख, ओके हमने अभी फाइंड आउट किया। समझ में आ गया आप सबको, चलो एक बार देख लेते फिर। अभी मेरे पास ग्रोस प्रॉफिट मिल गया 5 लाख, ठीक है। मैं इसमें अप्लाई करूंगी ग्रोस प्रॉफिट 5 लाख और सेल्स मिला मुझे 12,50,000, 12,50,000। तो मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा 7,50,000। ये मुझे क्या मिला, कॉस्ट ऑफ, मुझे क्या मिला, कॉस्ट ऑफ सेल्स 7,50,000 मिल गए। अभी मैं ये अमाउंट इसमें अप्लाई करूंगी 7,50,000, ठीक है। देख लेते कॉस्ट ऑफ सेल्स, अभी मुझे मिल गए कॉस्ट ऑफ सेल्स और एवरेज स्टॉक दोनों ही मिल गया, 7,50,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख, 1,50,000। यानी हमारे पास जो रेशियो है वो कितने टाइम्स स्टॉक टर्नओवर रेशियो, 5 टाइम्स मिलेगा, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। यानी हम जो सेलिंग करेंगे इसका, सेल्स का जो टर्नओवर करेंगे वो कितने टाइम में, 5 टाइम्स में हम कर सकते, ओके। तो देख लेते एक बार फिर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो मुझे फाइंड आउट करना था, इसलिए मैंने पहले फॉर्मूला लिखे। ये फॉर्मूला में मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं था, इसलिए मैंने उसकी जगह छोड़ दी। एवरेज स्टॉक मेरे पास था, एवरेज स्टॉक के लिए मैंने अप्लाई किया फॉर्मूला, फिर हमने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक से डिवाइड करके 2 करके हमने एवरेज स्टॉक फाइंड आउट किया, ठीक है। अभी हमें एवरेज स्टॉक तो मिल गया, लेकिन अब हम क्या करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड आउट करना है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का हमने फॉर्मूला लिखा सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। हमारे पास सेल्स भी नहीं है और ग्रोस प्रॉफिट भी नहीं है, हाँ लेकिन हमारे पास डेटर रेशियो है, उस रेशियो से हम क्या करेंगे, अपना सेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, डेटर रेशियो उसका फॉर्मूला लिख के मैंने उसमें अमाउंट डाली और उससे हिसाब से मैंने क्रेडिट रेशियो यानी क्रेडिट सेल्स मैंने फाइंड आउट किया। इस क्रेडिट रेशियो यानी क्रेडिट सेल्स को फाइंड आउट करने के बाद मैंने क्या किया,
आगे जो मेरे पास सेल्स था, लेकिन ये तो मुझे मिला क्रेडिट सेल्स, मुझे टोटल सेल्स चाहिए, टोटल सेल्स चाहिए, इसलिए मैंने टोटल एज्यूम किया टोटल सेल्स 100 है, उसमें कैश सेल्स 20%, जो हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है उसमें लास्ट में लिखा है कि ग्रोस प्रॉफिट 20% ग्रोस प्रॉफिट हमें दी है, कितना 40% ऑन सेल्स, लेकिन कैश सेल्स हमें दी दी है 20% टू टोटल सेल्स, ओके, टोटल सेल्स का 20% कैश सेल्स दे दिया है। उस हिसाब से मैंने वो सब कैलकुलेशन करने के बाद मैंने कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स जो है वो तो मुझे मिल गई थी, उसी हिसाब से मैंने 100 से टोटल सेल्स फाइंड आउट किया, 12,50,000 मुझे मिले टोटल सेल्स। इस टोटल सेल्स को मैंने इनटू मल्टीप्लाई किया ग्रोस प्रॉफिट के 40% के साथ, तो मुझे 5,00,000 मिले ग्रोस प्रॉफिट। इसी हिसाब से मैंने ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया। फिर जो मेरा फॉर्मूला था मैंने उसमें सेल्स और ग्रोस प्रॉफिट दोनों लिख लिए, उस हिसाब से मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गया, और कॉस्ट ऑफ सेल्स मैंने अपने जो सही जो फॉर्मूला था 1 नंबर उसमें मैंने अप्लाई करके मैंने क्या किया, 5 times स्टॉक टर्नओवर रेशियो मैंने फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट रेशियो हमारा है ओनरशिप रेशियो यानी ओन्स फंड। ओनरशिप रेशियो इज इक्वल टू हमारा जो ओनरशिप रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, यानी ओनरशिप यानी प्रॉपर्टी फंड भी हमें उससे कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज फंड, ओनर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल रियल यानी टोटल रियल एसेट्स इंटू 100, ओके, ये हमें ओनरशिप फंड मिलेगा। इससे देखते हैं इसमें ओनरशिप फंड में क्या क्या आएगा। आगे हमने एक जो प्रैक्टिकल इसके पहले लिया था उसमें हमने प्रॉपर्टी फंड फाइंड आउट किया था, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब ओन कैपिटल है। ठीक है, लेकिन डिबेंचर है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, लोन भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, वो हम ओन फंड्स में मेंशन नहीं करेंगे। इसमें से हम लोग डिबेंचर डिस्काउंट्स यानी फिक्सेशियस एसेट्स लेस करेंगे, ओके, ये इससे बोलते हैं हम लोग ओन फंड कह सकते हैं। राइट डाउन, प्रॉपर्टी फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देन रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, ये 4 हमें प्रॉपर्टी फंड में आएंगे। क्या है, 4,00,000 प्लस 2,00,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमें नहीं दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल हमें दिया है 4,00,000, जनरल रिजर्व हमें दिए है 2,00,000, ठीक है, जनरल रिजर्व, लेकिन इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमें नहीं दिया, तो हम लोग 0 लिखेंगे इसमें, और प्रॉफिट एंड लॉस हमें दिया है 1,70,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इसमें नहीं दिया, ठीक है, अगर दिया होता तो हम लोग ले लेते, नहीं दिया, माइनस
डिबेंचर माइनस डिबेंचर डिस्काउंट यानी 5000, ओके इतनी अमाउंट हमें दी है। देख लो एक बार फिर से, इक्विटी शेयर रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें से डिबेंचर डिस्काउंट हम लोग लिस्ट करेंगे तो हमें अमाउंट क्या मिलेगी वो देख लेते हैं हम लोग। कितनी मिलेगी? 7,65,000, ओके 7,65,000 इतनी अमाउंट हमें मिलेगी, ओके ऑल ऑफ यू। अब हम लोग अपने ये जो हो गया उसके बाद टोटल रियल एसेट्स, हमें प्रॉपर्टी फंड्स तो मिल गए लेकिन टोटल रियल एसेट्स वो फाइंड आउट करना है। टोटल रियल एसेट्स यानी हमारे पास जो बैलेंस शीट है उसमें जो लायबिलिटी साइड टोटल है उसमें से हम लोग डिबेंचर डिस्काउंट क्या करेंगे, हम लोग डिडक्ट करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। यानी हमारे पास टोटल लायबिलिटी कितनी है? 12,50,000। उसमें से हम हमारा जो डिबेंचर डिस्काउंट है 5000 वो हम लेस करेंगे, यानी हमें टोटल रियल एसेट्स मिलेगी 12,45,000, ठीक है। ये जो अमाउंट है और ये हमने जो 7,65,000 दोनों फाइंड आउट की है वो अमाउंट हम इसमें अप्लाई करेंगे। 7,65,000 डिवाइडेड बाय 12,45,000 मल्टीप्लिकेशन 200, यानी हमें ओनरशिप रेशियो कितना मिलेगा? 61.45%, इतना हमें मिलेगा ओनरशिप रेशियो। ओके आपको पता चला मैंने क्या किया, ओनरशिप रेशियो का मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद मैंने प्रॉपर्टीज फंड और टोटल रियल एसेट्स दोनों को फाइंड आउट किया, वो दोनों को फाइंड आउट करके अपने जो फॉर्मूला थे उसमें अप्लाई करके उसको मैंने कैलकुलेशन किया। ओनरशिप रेशियो से हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास कितनी, यानी कि हमारे पास अपनी खुद की मालिकी की कितनी अमाउंट हमने उसमें रखी और उसके सामने हमें कितना रिटर्न मिलता है या नहीं, वो हम उस रेशियो से जान सकते हैं, ठीक है। देख लिया कंप्लीट ओनरशिप रेशियो से, देख लो प्रॉपर्टी।